नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तबंदे भारत। लिकर पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली में 47 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिसका कारण है नई आबकारी नीति। बता दें कि दिल्ली में सरकार की नई आबकारी नीति नवंबर में लागू होने के साथ ही शहर में निजी तौर पर चलने वाली कई शराब की दुकानें 47 दिनों तक बंद रहेंगी। ये शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के 272 नगर पालिका वार्डों में 105 में निजी शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुलेंगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 849 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 276 निजी तौर पर संचालित हैं। यानी कि दिल्ली में अब 276 निजी शराब की दुकानें 47 दिनों तक बंद रहेंगी। वहीं दिल्ली सरकार के अनुसार शहर भर में शराब की दुकानों को टेक ओवर करने के लिए नई बोली लगाई गई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिनके पास पहले शराब की दुकानों का लाइसेंस था, वे इस बार अपना लाइसेंस बिड हासिल करने में असफल रहे। गौरतलब है कि निजी शराब स्टोर मालिकों ने पहले ही स्टॉक खरीदना बंद कर दिया है, ताकि सितंबर के अंत तक मौजूदा स्टॉक समाप्त हो जाए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।